तेलंगाना की उपमना जमात बीआरएस ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज के लिए रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव की अपील पर हुक्मराना पार्टी के कायदीन ने शहर हैदराबाद के टैंगन अम्बेडकर मुजस्मे के सामने महाधरना दिया। रुकन असेंबली दानव नागेंद्र की क्यादत में धरने में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बीआरएस की खातून कायदीन ने खाली गैस सिलेंडरों के साथ अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए से बढ़कर अब करीब 1200 रुपए कर दी गई है। खवातीन दिन के मौके पर मरकजी हुकूमत ने खवातीन को तोहफे के तौर पर गैस की कीमतों में इजाफा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज गैस की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी तौर पर कमी करे। खुतबुल्लापुर में गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ खवातीन ने एहतजाज किया। उन्होंने सिलेंडरों पर फूल चढ़ाए और मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। बीआरएस एमएलए विवेकानंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इंतखाबात के दौरान आम आदमी याद आता है और दीगर दिनों में उसे भूल जाया करते हैं। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव की क़यादत में भी एक अनोखा एहतजाज किया गया। वजीर मौसूफ ने सिकंदराबाद की एमजी रोड पर गांधी जी के मुजस्मे के सामने धरना देने के बाद लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर एहतजाज किया। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ఇటువైపు సార్ మా బ్యాగులు ఉన్నాయి కదా।